डिप्लोमा किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, इस वक्त मैं एक एडवांस डिप्लोमा कर रही हूँ IICA से, फर्स्ट क्लास मेरे इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आज अपना कीमती वक्त निकाल के आज आप लोगों ने यहाँ आके शिरकत करी, सब लोगों ने एक मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए आपने वक्त निकाला। मेरी आप सभी से देखिए गुजारिश है कि हालात इलाके के सबके सामने बहुत क्लियर हैं और एविडेंट हैं कि इस इलाके के क्या हालात हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में बद से बदतरीन हालात होते चले जा रहे हैं। एक वेव आई थी आम आदमी पार्टी की, एक हवा आई थी जिसमें सब बह गए, बड़े बड़े नेता हार गए और ठीक है, एक वेव आई थी बह गए लोग, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब लोगों ने भी रियलाइज कर लिया है, अब वापस पैर सबके ज़मीन पर आ चुके हैं। जिस तरह से गुमराही करी गई, जिस तरह से हिपोक्रेसी के साथ काम किया गया, जो कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के लीडर हैं, जो हमारे CM साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह किया और मुसलमानों का मसीहा बनने का क्लेम करा, सेकुलरिज्म की बात करी, उनकी आइडियोलॉजी भी काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि किस तरह की रेडिकल सोच रखते हैं वो। वो BJP को बुरा भला कहते हैं कि ये कम्युनलाइज करती है, पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म फैलाती है, लेकिन जिस तरह के उनके कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं यहाँ के इश्यूज़ के लिए, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके इश्यूज़ पे, जैसे किसी NRC के वक्त उन्होंने कहा कि मेरे अंडर दिल्ली पुलिस कर दी जाए तो मैं यहाँ से पूरा प्रोटेस्ट हटवा दूँगा, जिस वक्त पे दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो ताहिर हुसैन साहब को बिना गिल्टी प्रूफ करे हुए पार्टी से निकाल दिया, वहीं जब सिसोदिया जी पे ED का केस चला तो उन्हें भगत सिंह का दर्जा देने के लिए कहा गया। कम्युनलिज्म के नाम पे वो, सेक्युलरिज्म के नाम पे वो कम्युनलिज्म करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है उन्होंने सालों साल। और जिस वक्त पे देखिए यहाँ पे हमारे, मैं जामिया की स्टूडेंट रही हूँ, उस कचल हम लोग जामिया वाले प्रोटेस्ट में जाते थे, सुबह शाम हम वहीं रहते थे, कभी जामिया यूनिवर्सिटी पे, कभी शाहीन बाग पे। जिस तरह से हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई, जिस तरह से जुल्म किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर, कहाँ थे उस वक्त ये आम आदमी के लीडर? तो आज यहाँ के चुने हुए नुमाइंदा हैं, पिछले 10 सालों से वो उन्हीं का नाम ले लेके वोट मांग रहे हैं। ये वही आदमी है जिन्होंने मरकज को लेकर कितना बड़ा मुद्दा उठाया, जिन्होंने जब न्यूज़ पर टैली आती थी कोविड के केसेस की तो मरकज की टैली अलग दिखाई जाती थी, उन्हीं के अल्फाज थे कि मरकज जिम्मेदार है दिल्ली का बुरा हाल करने में, उन्हीं के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा था कि ना गुरुद्वारा जिम्मेदार है, ना मंदिर जिम्मेदार है, ये मरकज जिम्मेदार है। किस तरह मौलाना साद साहब जैसी शख्सियत को बदनाम किया गया, किस तरह से पूरा ब्लेम मरकज पर डाल दिया गया। तो देखिए ये चीज़ें अब बहुत सामने, मेरे ख्याल से आई थिंक पीपल आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस तरह अब लोगों को भी रियलाइज हो चुका है कि अब एक बदलाव की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बहुत अच्छा हुआ उन्हें मौका दिया गया, क्योंकि जब तक मौका नहीं दिया जाता तब तक आप जज नहीं कर सकते कि सामने वाले कितने पानी में, उसको परखा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा हुआ ये लोग झूठे वादे कर करके इस सरकार में आए, और बहुत अच्छा हुआ यहाँ के लोगों की आंखें खुली, उन्होंने रियलाइज करा कि उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, झूठे वादे किए गए हैं, किस तरह से एक मुस्लिम सेंटिमेंट पे खेला गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत एविडेंट हैं। और देखिए इस इलाके के बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। जो एक सबसे बड़ा इशू है गंदगी का, यहाँ के 90% लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो यहाँ पर ये डंपिंग ग्राउंड्स बने हैं। और देखिए ये बात कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं कि इस इलाके में कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान बनना इशू नहीं है, गार्बेज लिफ्टिंग बहुत बड़ा इशू है, दूसरे वार्ड से कूड़ा ला ला के यहाँ डंप किया जाता है। ये जसोला सरिता विहार में करीबन 10 से 12 कूड़ेदान बने हुए हैं, लेकिन जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने उस पर ताले लगा दिए हैं और वहाँ ब्यूटिफिकेशन करा दिया गया है और वहाँ पर कूड़ा ला के यहाँ डंप किया जाता है। तो देखिए अब जो हमारे एक्स काउंसलर साहब हैं वो ये क्लेम करते हैं कि UP इरीगेशन की ज़मीन है, हमारा बस नहीं है कि हम उस पर काम करा सकें, तो ये तो इलेक्शन के बाद भी UP इरीगेशन की ज़मीन ही रहेगी, बदल तो जाएगी नहीं। तरीका आना चाहिए काम करने का, जब आप एजुकेटेड लोग आगे आएंगे तभी आप समझ सकेंगे किस तरह सिस्टम में घुसना है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाना है, किन लोगों से बात करनी है, क्या प्रपोजल्स आगे रखने हैं, तभी आप काम करा सकते हैं। इन UP इरीगेशन में ही एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो यही काम करता है कि प्लांटेशन का काम करता है, ग्रीन बेल्ट बनाता है, आपके पास 10 तरह
तरीके हैं काम कराने के, आप चाहें तो यूपी इरीगेशन के पास जाके प्रपोजल रखिए कि ये जो पूरा स्ट्रेच है कालिंदी कुंज पार्क से लेके रेत के टीले तक आप उधर ग्रीन बेल्ट बनाइए, क्या वो मना कर देंगे इस काम के लिए? वो तो बैठे ही इसी काम के लिए है कि वो प्लांटेशन करें और ग्रीन बेल्ट बनाए जो भी उनकी जमीन है। तो देखिए बहुत टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से गुमराही का और बेवकूफ़ बनाने का लोगों को। मेरे हिसाब से सब देखिए यहाँ पे वही बात है, देखिए एजुकेटेड लोगों को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर सकते तरीके से, जब तक आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, कौन सी प्राइवेट फॉर्म गवर्नमेंट ने हायर करी है, किस तरह का नेक्सस है यहाँ पे गार्बेज पिकर्स का, क्या क्या मुद्दे, इन सब पे जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी आप यहाँ काम नहीं करा सकते। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए एज रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस इलाके में डेवलपमेंट करना है और वहाँ काम कराना है, सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा, सबको मिल के चलना पड़ेगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर अगर हम इंशाल्लाह आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें, हम सबके मसले परेशानियाँ सुने। देखिए 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो तो मैं भी आपको बना के अभी ले आती हूँ यहाँ पर, मैं 20 पॉइंट का भी ला सकती थी, लेकिन मेरा जो इरादा है, मेरा मोटिव है कि मैं लोगों के बीच बैठ के उनसे मैनिफेस्टो बनाऊँ, उनके इश्यूज और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँ, उस पर काम किया जाए, उनके साथ मीटिंग्स करी जाए। जो भी यहाँ बहुत मेजर इश्यूज हैं कि पानी का मुद्दा है, इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, और ये भी इश्यूज हैं कि सीवर पाइपलाइंस और नालों का मुद्दा है। देखिए अनऑथोराइज कॉलोनी है, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में वैसे ही बहुत लिमिटेशंस हैं, और जब अनऑथोराइज कॉलोनी की बात आती है तो लिमिटेशन बहुत काफ़ी हद तक हो जाती हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि काम करने का तरीका आना चाहिए। जब यहाँ पे काउंसलर आपका है, एमएलए आपका है, सीएम आपका है, तो काम क्यों नहीं हो पा रहा था उसके अनुसार? तो आप सबसे देखिए मेरी अपील है कि आप लोग एक मौका मुझे भी दीजिए, और इंशाल्लाह नियत साफ है, अल्लाह ताला नियत के बेसिस पे अजर देता है। और आप लोग सब मेरे सीनियर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को, आपकी गाइडेंस की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी पूरा सरपरस्ती की मुझे बहुत ज़रूरत है। जब तक आप मेरे साथ मिलके नहीं चलेंगे तो मेरे लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा, आप और हम साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते में आसानी करवाएंगे।